आज हम डिलीशियस रोहू मछली की सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमने ये रोहू मछली लिया है, ये हमारी मछली, हमने इसको काट कर साफ कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच मिर्च ऐड कर रहे हैं, एक चम्मच हल्दी ऐड करेंगे हम इसमें, एक चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर तक रख देंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। हमारी तेल हीट हो चुकी है। हम इसमें अब एक एक करके पीसेस को डालेंगे। इस तरह से हम इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। अब हम इसको पलटा लेंगे। हमने सारे पीसेस को पलटा लिया है। ये हमारे मसाले हैं। हमने 3 कली लहसुन लिया है, 2 बड़े प्याज, 1 चम्मच जीरा, अदरक के टुकड़े, और 1 चम्मच हल्दी लिए हैं, 1 चम्मच मिर्ची, 2 चम्मच धनिया पाउडर। इन सारे मसालों को अच्छे से पीस लेंगे। अब हमारी मछली तल चुकी है, हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे मछलियों को तल लेंगे। ये हमने अपने मसाले को पीस लिया है। हमने अपनी सारी मछलियां तल ली है। अब हम जीरा का तड़का लगाएंगे। जीरे को चटकने देंगे, उसके बाद हम मसाले को भूनने के लिए। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। एक कटोरी हमने कटे हुए टमाटर लिए, इसको मसाले अच्छे तरह भूनने के बाद इसको डालकर फिर भूनेंगे। अब इसमें हम हल्दी और मिर्च को डाल देंगे। 1 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। हमारे मसाले अच्छे तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर को डालकर फिर से भूनेंगे। हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। इस तरह से हम अपने मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। हम इसमें 1 मग यानी 1/2 लीटर वाटर डाल देंगे। ये हमारे मसालों में अब उबाल आ गया है।
अब इस ग्रेवी में हम मछली को डालेंगे, एक एक करके हम डालेंगे इसको, इस तरह से सारे मछलियों को डालेंगे। हमने अपनी सारी मछलियाँ डाल ली है, अब इसको हम ढक कर 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने कढ़ाई के ढक्कन को खोलेंगे। ये देखिए हमारी फिश तैयार हो चुकी है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। ये हमारी फिश बनकर तैयार हो चुकी है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।